बस मेहंदी लगवाने जा रही हूँ मैं, और कल तीज है और बस फेस्टिवल तीज की सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हो चुकी है, तो आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरा बड़ा ही मन है कि आज बाहर से जाके मेहंदी लगाऊँ, तो आप लोगों को वो सब दिखाती हूँ। और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कैमरा पकड़ते वक्त, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और होपफुली आप लोगों को एक अच्छा सा ब्लॉग देखने को और मिले। बस 11 बजने वाले हैं, सारा काम मेरा हो गया और हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। हाँ जी, तो देखिए मेहंदी लगाने का प्रोग्राम चल रहा है, सबसे बेस्ट है मेहंदी लगवाने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल हरितालिका तीज है, बस आज ही से तैयारी शुरू। रेट बढ़ा नहीं, एक हाथ का 250 बोल रहा है। ना ना ना, 300 से ज्यादा नहीं, 400 में दोनों हाथ। अरे यार तू ये फोन उठा ला। लग गई है और मैंने मेहंदी छुड़ा भी ली है। अब देखते हैं कि रात में इसका कलर कितना चढ़ता है। और मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, मेहंदी अच्छे से छुड़ाने के बाद अच्छे से हैंड को वॉश कर लीजिए, और उसके बाद अपने हाथों पे अच्छे से कोई भी ठंडा तेल ना, रतन तेल या हिमगंगे तेल अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए, तो आपकी मेहंदी बहुत ही अच्छे से रच जाएगी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, और आपको अर्ली मॉर्निंग दिखाती हूँ मेरी मेहंदी कितनी रच चुकी है। और अभी रात के बज चुके हैं, मैं आप लोगों को टाइम, रात के 12:15 हो चुके हैं, 12:15 हो चुके हैं। अब मैं सोने जा रही हूँ और सुबह उठ के सर्गी करना है, तो बस आप लोगों को सर्गी के टाइम मिलती हूँ और आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखाती हूँ कितनी रसती है। और मैं हमेशा से अपने हाथों पे ऐसे ही ठंडा तेल अप्लाई करके सो जाती हूँ, और मेरी मेहंदी जो है बहुत ही अच्छी रच जाती है। तो चलिए अब आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आज ही बहुत ही परेशान कर रही थी, उसे थोड़ा सा फीवर है। और बस सर्गी करने बैठ गई हूँ, तो मैं आपको अपनी सर्गी की प्लेट दिखाती हूँ कि मैं सर्गी में क्या क्या मैंने लिया है। एक बनाना, यहाँ पे सूप के लिए दही और चूड़ा, पोहा जिसका बनता वो है, एक काजू कतली है मीठे के लिए, और एक एप्पल लिया है मैंने, और ये बॉटल का पानी है, और यहाँ पे ग्लूकॉन डी है, और नींबू है जिसे मैं सबसे लास्ट में पीऊँगी, ग्लूकॉन डी में नींबू डाल के। ग्लूकॉन डी में नींबू डाल के पीने से ना पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है और वोमिट सा फील नहीं होता है, तो मैं ये पीती हूँ। ये मेरा ट्रिक है इस तरीके से करने का, और मुझे अच्छा लगता है, इसके काफ़ी फ़ायदे भी दिखते हैं कि आपको पूरी एनर्जी बनी रहती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में चाय पीऊँगी, बस क्या सो जाऊंगी। और बस आप सब लोगों को यह हरितालिका तीज का व्रत वो बहुत ही अच्छा गुजरे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और बस चलिए सर्गी स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, पर खाना पड़ता है ये सोच के कि कल भूख ना लग जाए, इसलिए आज थोड़ी हिम्मत मिल जाती है सब खाने का। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, मस्त कड़क अदरक वाली चाय। इधर ये है मेरा एनर्जी ड्रिंक रेडी, जब तक इसे पीऊँगी मेरी चाय बन जाएगी एनर्जी ड्रिंक। सब कुछ खा लिया मैंने, और लास्ट में बस ये ड्रिंक पीऊँगी, उसके 5 मिनट बाद चाय पीऊँगी, और उसके बाद आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि नींद बहुत आ रही है। ये सुबह सुबह उठ के खाना ना बहुत ही टफ काम है। गर्मा गर्म मस्त कड़क चाय। मैंने आप लोगों को अपनी मेहंदी नहीं दिखाई, ये देखिए मेरी मेहंदी अभी और भी रचेगी ये मेहंदी, पर जब मैंने दिखाया था रात में सोने से पहले तो बिल्कुल ऑरेंज कलर का था, अब देखिए कितना डार्क हो गया है ना। दूसरे हाथ की दिखाती हूँ मैं,
तो आजकल की मेहंदी तो ऐसी होती है कि बस आधे घंटे आप हाथ पर रख लो और मेहंदी रच ही जाती है अच्छी सी। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और इसी के साथ मेरी सर्गी हो जाएगी कंप्लीट और उसके बाद अब मैं सोने जाऊँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ, कल की मॉर्निंग हो चुकी है कल के दिन में, और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है और 2 बज रहे हैं। अब थोड़ा सा सिंगार का टाइम आ चुका है, तो मैंने हाथ में, गले में, कानों में ये सब तो कुछ पहन लिया है। अब लगाने की बारी है नेल पेंट और ये आलता। ये किसी भी तीज त्यौहार में ना आलता, इसे महावर भी कहते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना इसको किए कोई भी अच्छा काम पूरा नहीं होता है। तो चलिए अब आलता और महावर लगाते हैं, उसके बाद शाम में मिलूंगी आप लोगों से जब पूरा रेडी हो जाऊंगी और मंदिर जाना है, पूजा करना है, जो कुछ भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दिन अच्छा जा रहा है, मौसम बहुत गर्मी वाला नहीं है, ठीक है। बारिश भी हुई थी सुबह, तो प्यास तो लगती है, ऐसी फीलिंग तो आती है, पर माता में इतनी शक्ति होती है ना कि आपको एहसास भी नहीं होता कि पूरा दिन कैसे निकल गया है। तो चलिए बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। रेड कलर और मुझे नेल पेंट लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर जब ऐसा कुछ होता है तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ, अदरवाइज मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। और मुझे रेड कलर का नेल पेंट ज़्यादा पसंद है। महावर लग गया और पैर कितने सुंदर हो गए ना, मुझे बहुत अच्छे से तो आता नहीं है लगाने, पर अच्छे लग रहे हैं ना। और मुझे लग रहा है कि मैं तीज ही में लगाती हूँ महावर अपने पैरों में। और मैंने नई बिछिया भी डाल ली है रेड कलर की, तो बहुत ही प्यारा कलर है इसका, रेड कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आशी, ए आशी देखो, हाँ जय जय। मंदिर जाने की तैयारी, और आशी की तबीयत नहीं सही है तो आशी रेडी नहीं हुई है, और बस ये प्रसाद मैंने ले लिया, कुछ सिंगार का सामान, फल और जल चढ़ाने के लिए एक लुटिया। अभी आप लोगों को मैं अपना फुल लुक दिखाऊंगी। आशी क्या कर रही हो बेटा? आशी कोकी कपड़ा नहीं पहनी हो ना? आज को मेरे पर का फूल माला।
अच्छे से हो गई है। अब कल की पारण की व्यवस्था, पकौड़े के लिए सामान लेने आए, केला है और कल बनाएंगे ओल की सब्जी। ये रही ओल। और यहाँ पे पूरा बारिश हो चुका है, आप लोग देख सकते हो गाड़ी पे पूरा पानी पड़ा हुआ है और थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट का इशू है। आसी की तबीयत ख़राब है, आसी यहाँ बैठी है। आसी हेलो बोल दो। हेलो 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 फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। तो फीवर है? फीवर ये फ्रेंड्स कट चुका है सूरन। सूरन की सब्जी बनने की तैयारी है, इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। और इधर व्रत खोलने के लिए मिर्चवानी जो कि मेरे हस्बैंड ने बना दी है, मैं सिर्फ गरम कर रही हूँ, गरम करके इसे पीऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तीज का व्रत बहुत अच्छी तरीके से हो गया है और अब बस मैं अपनी मिर्चवानी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको ना व्रत खोलने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसको पीने से गला नहीं फटता है क्योंकि 24 घंटे के बाद आपके अंदर पानी जाता है। तो सबसे पहले मैंने मम्मी लोगों को भी देखा और भी सबको देखा है कि सबसे पहले ये पीते हैं, धीरे धीरे सिप करके पीते हैं और गला भी जो होता है ना थोड़ा सा खुल जाता है इसको पीने से। तो मैं तो अपना व्रत इसी को पी के खोलती हूँ। आप लोग कैसे खोलते हो अपना व्रत ये बताना मुझे। और बस ब्रेकफास्ट में मैंने आज सोचा कि केले की पकौड़ी बनाऊंगी, बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम से नहीं खाया था तो केले की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी बना लूंगी। और खाने में मैंने आपको दिखाया है कि सूरन फ्राई कर रही है, सूरन की सब्जी भी बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना बनाएं। और बस बहुत अच्छे से मेरा तीज का व्रत हो गया, तीज माता की कृपा से संपन्न हो गया। और पति देव गए हुए हैं जलेबी लेने, ये बीकानेर से गरम गरम जलेबी, गरम गरम जलेबी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये तीज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। न्यू हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द तो नहीं बोल सकती, पर कोई ऐसा वीडियो होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरी बच्ची है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्लॉग भी बना रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कैमरा पकड़ने में और थोड़ा सा हेजिटेशन सी फील हो रही थी। और कोई नहीं, यूज्ड टू हो जाऊँगी मैं। और बस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।